ये बेईमान सरकार है, कोई भी फर्क नहीं, मोदी सरकार बेईमान है, भाजपा सरकार बेईमान करके नहीं कर रहा, नहीं उसको बेटियां को अपने देश का उन्होंने ना उच्चा कर सम्मान तो उन्होंने चाहिए सी कि उन्होंने फड़ना चाहिए सी, भाजपा सरकार पक्के हार गई, अब मशीन बंद कर दें भाजपा सरकार खत्म, यानी कि ईवीएम से वोट होता है तभी तभी जित रही है, हाँ तभी जित दिया, नहीं नहीं जितेगी, पर्ची से वोट पड़ने लग जाए ये खत्म हो जाएगी, नहीं मोदी तो बेईमान है, मोदी जी क्या आपको बेटी होगी तभी मोदी जी को भरोसा होगा, तभी उसको बेटी को आगे बुक्कड़ में लाएगा ना, ना योगी को बेटी ना इसको बेटी। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। महिला पहलवानों के समर्थन में अब किसान यूनियन एकता मोर्चा है, वो सारे किसान जो हैं वो एकजुट हो चुके हैं। आप लोग किसान आंदोलन में देखे होंगे ये किसान किस तरह से एकजुट हुए थे, उसी प्रकार से अब बेटियों के समर्थन में जो महिला पहलवान है जिनका बहुत बड़ा आरोप है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उनके समर्थन में ये किसान आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? लुधियाना से। तो क्या लग रहा है बेटियों को न्याय में इतनी देरी क्यों? हाँ हाँ, न्याय देने वाले करके आए हैं। तो सरकार जो है अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं करवाई ब्रजभूषण? होली होली करवाएगी, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ, आप लोग को लग रहा है कि टाइम लगेगा? हाँ टाइम लगाएगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? बस ट्राली आएगा फिर चलेगा, ये थोड़ा ट्राली भर के ले आएंगे फिर चलेगा, फिर चलेगा। पहले अजय मिश्रा नहीं करे, जब अजय मिश्रा नु करे। आप लोग को लग रहा है आंदोलन लंबा चलेगा? हाँ लंबा जरूर चलेगा, जितना चर हम ट्राली नहीं लेके आएंगे, ट्रैक्टर ट्राली लेके, उतना चर नहीं मनेगा। ये बेईमान सरकार है, कोई फर्क नहीं, मोदी सरकार बेईमान है, भाजपा सरकार बेईमान करके नहीं कर रहा, नहीं उसको बेटियां को अपने देश का उन्होंने ना उच्चा कर सम्मान तो उन्होंने चाहिए सी कि उन्होंने फड़ना चाहिए सी, वो आपने भाजपा सरकार तो परचम लहरा रही है ईमानदारी का, कट्टर ईमानदार बताती है अपने आप को। नहीं जो बेटियां का झूठ बोल रही हैं, बेटियां कोई पहलवान बेटी नहीं झूठ बोल रही, उधर तो जब बेटी अपनी लेके आई ऐसी क्या मेडल, जदों तक मोदी साहब कह रहे हैं हमारे देश की बेटियां हमारी बेटियां हैं, इसके जो घर के हम उसको जानते हैं, अभी अब क्या हो गया मोदी को, अब क्या उसको सप सुंग गया? अभी तो उनको चाहिए ना बेटियां के पास आना चाहिए, उसको कोई मिनिस्टर को किसी को आना चाहिए। अहमद शाह साढ़े बादल मर गया, उत्थे चला गया, इत्थे नहीं आ सकता। कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं, वो जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, वहाँ यहाँ हार जाएगी। आप लोग को लग रहा है? हाँ नहीं लग रही है, पक्का हारेगी है भाजपा सरकार, पक्के हार गई, अब मशीन बंद कर दें भाजपा सरकार खत्म, यानी कि ईवीएम से वोट होता है तभी जित रही है, हाँ तभी जित दिया, नहीं नहीं जितेगी, पर्ची से वोट पड़ने लग जाए ये खत्म हो जाएगी। जब हम जो योगी है वो क्या कर रहा है, घर डह रहा है, इसका घर क्यों नहीं डह रहा, ये बेटियां का मसला है ना, वो तो बेटियां का भी मसला नहीं थी, ठीक है ना बेटा, आप भी बेटियों, हाँ हमारी वो भी बेटी हैं, पहलवान बेटी हैं अपनी हैं, आप दो बेटी हैं हमारी हैं बेटी हैं, जो तो बेटी की जितनी। मोदी जी पे भरोसा नहीं है? नहीं मोदी तो बेईमान है, मोदी जी क्या आपको बेटी होगी, तभी मोदी जी को भरोसा होगा, तभी उसको बेटी को आगे बुक्कड़ में लाएगा ना, ना योगी को बेटी ना इसको बेटी, तभी ये करेगा ना मोदी बेटा। तो क्या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब FIR दर्ज हो चुकी है, अब धरना खत्म करना चाहिए? जब FIR दर्ज होगी उसको रेस्ट क्यों नहीं कर रहे, राहुल गांधी को एक मिनट में कर लिया, क्या बोला था, कुछ नहीं बोला था, पढ़ाई की बोला था, उसको जब घर से भी निकाल दिया, उसको संसद से भी निकाल दिया, उसको एक मिनट में ले सकता, सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, इसमें क्यों नहीं ले सकता, जब उसको पर्चा दर्ज किया अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप लोग सुबह आए तो बैरिकेड तोड़ दिया, आप लोग कानून हाथ में ले रहे हैं? कोई बात नहीं, पहले भी कानून लेने हाथ में हमने, कोई बात नहीं, जो क्या करेगी सरकार। तो क्या बॉर्डरों पे आप लोग को रोका जा रहा था? हाँ रोका जा रहा था, हम बन के आए हैं उसको बॉर्डर को, कोई बात नहीं, पहले भी बॉर्डर बनने और भी बनेंगे, हमारी हैं क्या सरकार, क्या सरकार भी हमारी बनाई है, जो कुर्ता पजामा पाया वो भी हमारे भारत का है, मोदी का नहीं पाया घर से, हमारा है, हम अपनी कमाई से देते हैं, आप भी कमाई से देते हैं बेटा, तुसी भी देते हो ना कुछ ना कुछ चून पून। तो बेटियों को न्याय में इतनी देरी क्यों लग रही है, जो गोल्ड मेडल लेके आई हैं बेटियां, जब इनको इतना देर लग रहा है तो आम बेटियों की दशा क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी, उनकी क्या होगी, आप देखते ही हैं, इनको तो चाहिए देरी तो लगनी नहीं चाहिए था ना, अभी जब भी बेटियाँ ने करी शिकायत करी, जब भी उनको चाहिए ना, बहुत गलत कर रही है। कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से मैडम।
तो पंजाब से दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं, क्या लग रहा है कि बेटियों को न्याय देने में सरकार इतना देर क्यों कर रही है? ये सरकार बिल्कुल बोली हो चुकी है, जहाँ पे किसान भी सड़क पर है और जो बेटियाँ भी देश की सड़क पर आई हुई हैं, इसीलिए ये सरकार बिल्कुल नाकामी सरकार है। और भी लोग हैं, देखिए कैसे सामान साथ में लेके अपना बैग लेके ये लोग चल पड़े हैं। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब से आए हैं, क्या लग रहा है कि ये जो बेटियां बैठी हैं इनके साथ अन्याय हुआ है? तो FIR दर्ज हो चुकी है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये सरकार नारे रली हुई है। क्या तेरी सरकार ही नारे रली हुई है? दे तो आप लोग देख पाएंगे, तमाम किसान यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हैं, इनको कहा जा रहा है कि ये लोग बता रहे हैं कि इन्हें रोका जा रहा है, फिर भी ये लोग आ रहे हैं। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? हम जितना चेर बेटियों को न्याय नहीं मिलता जब तक बैठेंगे हम। अभी तो ऐसे ही आए, अभी ट्रैक्टर ट्राली लेके आएंगे, दिल्ली को भर देंगे हम। पूरी तैयारी के साथ आएंगे? हाँ, अभी भी पूरी तैयारी से आए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी पूरी तैयारी, ट्राली हमारे यहाँ तैयार खड़ी गई है, जब आएगी हजारों से ट्राली आएगी ना। सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं, हमको नहीं है, सरकार ने अपने आप से भरोसा उठा लिया ना, सरकार को भरोसा थी, जब भरोसा थी तभी दूसरी बार बनाया, ये भरोसा ना होता इसको। तो छह बार का सांसद है ब्रजभूषण, तो सरकार जनता उसको पसंद कर रही है तभी तो है। नहीं, पहले बन रहे जो मशीना से कर रहे हैं ना वोटिंग, मशीना से ना करे फिर बन के दिखा ले, उसका बेटा है, उसका पनोईया है, उसके बेटे का साला भी बन गया है, कितना उसका परिवार ही बना चुका रखा है मोदी सरकार ने, ये तो देखो ना। ये बेटियां रो रही हैं, अपना गोल्ड मेडल वापस करने को मजबूर हैं। हाँ, वो कर देंगे बेटियां तो मजबूर करने के, मजबूर हैं बेटी, देखो कौन बेटी को रोने देगा, आप हमारी बेटी ऐसी आप रोती है, हम अच्छी लगी हमारे को तो ठीक है ना। हाँ, बेटी को न्याय चाहिए। क्या कहेंगे आप बताइए, कहाँ से आए हैं? लुधियाना से ही आए हैं, मैं तो बोल दिया पहले। बताइए ना, कब तक बैठेंगे यहाँ? बैठेगा तो जितना चलेगा उतना चलेगा, साल दो साल लग जाऊ। आपको लग रहा है कि साल दो साल लग जाएगा बेटियों को न्याय मिलने में? हाँ, लग जाएगा। तो तब तक बैठेंगे? 24 तक लकीर कटेगा आगे, बेटियां के आगे लकीर निकलेगा, मोदी लंबा बाके पहनेगा, थोड़े आपके सामने ही है फिर। अब आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई करेंगे, मोदी को ही खत्म कर देंगे, सरकार ही खत्म हो जाएगी इसकी, यानी कि 24 में वोट की चोट करेंगे। हाँ, करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, ये किसान है कह रहे हैं कि अब 24 के लिए सरकार ने लकीर खींच दी है, इन बेटियों को इंसाफ ना देके सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है, यानी कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी जितना जल्दी हो जाएगी उतना ही जल्दी ये किसान जंतर मंतर से चले जाएंगे, वरना ये किसान कह रहे हैं कि हम साल दो साल यानी कि जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।